नमो नारायण मित्रों, मैं राहुल ईश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, आज से हम रोज आपको दैनिक पंचांग और मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक भविष्यफल बताएंगे। यह भविष्यफल अंकशास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर बताया जाएगा, जिससे सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए। आइए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनि देव का वार शनिवार है। आज दिनांक 5/5/2018। आज का मूलांक 5। आज का भाग्यांक 3। आज पंचमी तिथि है। आज कृष्ण पक्ष है। सूर्य आज मेष राशि में है, चंद्रमा धनु राशि में है। आज राहु काल 8:59 से 10:38 तक रहेगा। आज का मूलांक 5 बुध के अधिपत्य में आता है और भाग्यांक 3 बृहस्पति के अधिपत्य में आता है और वार शनि का है। बुध जल्दीबाजी, बृहस्पति समझदारी और शनि शने शने चलेंगे, इसलिए दिन आज मिले जुले फल देने वाला होगा। आइए जाने मेष से लेकर मीन तक का भविष्यफल। मेष राशि। सूर्य आपकी राशि के बिल्कुल ऊपर है और चंद्रमा आपकी राशि से नवम स्थान पर बैठे हैं। मजबूत दिन, आत्मविश्वास की अच्छी खासी मात्रा आप में रहेगी। भाग्य इस समय आपका साथ देगा, लेकिन कुछ अड़चनें काम में बनी रहेंगी। बुध आज कार्यों में बाधा डालने वाले हैं और बृहस्पति कार्यों को बनाने वाले हैं। काम के समय दोस्तों का साथ करने से बचें, वाहन का प्रयोग संभल कर करें। उपाय, सुबह उठते ही गणेश जी के दर्शन करें और उन्हें दुर्वा चढ़ाएं। वृषभ राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि आपकी जन्म कुंडली का व्यय भाव है, और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। आज का दिन थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। जो भी कार्य करें, सावधानी पूर्वक करें। आज अचानक से बेमतलब खर्चे हो सकते हैं, जिन्हें सावधान रहने से टाला जा सकता है। विवाहित और प्रेमी दोनों वर्ग आज अपने शब्दों और व्यवहार का ध्यान रखें। उपाय, आज शनि मंदिर जाकर तेल दान अवश्य करें, आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से 11वें भाव में बैठे हैं और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं। आज का दिन अधूरे कार्यों को पूरा करके घूमने फिरने और आराम करने का है। चंद्रमा 7वें में विवाह सुख को बढ़ाने वाले हैं और सूर्य अचानक से धन लाभ करवाने की भूमिका बनाते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा है। उपाय, शाम के समय गरीब लोगों में सूजी का हलवा या फिर कुछ मीठी चीज बांटें। कर्क राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से 10वें भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 6वें भाव में बैठे हैं। आज आपको खुद के नकारात्मक विचारों पर रोक लगाने की जरूरत है। आज आप लापरवाही के चलते खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। पुरानी बातों को याद करके आज के दिन अपनी पीड़ा और ना बढ़ाएं। आज अपना समय परिवार के लोगों से बात करते हुए बिताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय, शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं, आपको काफी राहत मिलेगी। सिंह राशि। सूर्य अपनी स्वराशि से आज नवम स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा 5वें स्थान पर बैठे हैं। आज का दिन अच्छा है और आपके पक्ष में भी है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास के चलते कुछ उल्टा सीधा मुंह से ना निकल जाए। धन संबंधी मामलों के लिए आज का दिन अच्छा है। परिवार से भरपूर प्यार मिलेगा। जिनका विवाह हो चुका है उन्हें भी जीवन साथी का पूरा सहयोग और साथ मिलेगा। उपाय, आज सुबह उठते ही अपने भोजन की पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। कन्या राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से 8वें स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा सुख भाव में बैठे हैं। दिन मजबूती देने वाला है। आप जो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अंदर से प्रसन्न नहीं हैं। शनि की ढैया इस समय आपको अंदर से मायूस बना रही है। आप निरंतर आत्ममंथन में लगे हैं, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं आप भी नहीं जानते। इस समय यदि आप स्वयं को शांत रख पाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आलस्य से इस समय खुद को दूर रखने की कोशिश करें। उपाय, शनि मंदिर में आटे के बिस्कुट बांटें या वृद्ध लोगों को आटा दान करें। तुला राशि। सूर्य आपकी जन्म राशि से 7वें स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा 3रे स्थान पर बैठे हैं।
आज आपको शांत रहने की बहुत जरूरत है, विशेष रूप से जब आप अपने जीवन साथी के साथ हों। आज उन बातों को याद ही ना करें जो आपको पीड़ा देती हैं। धन संबंधी मामलों में इस समय आप घिरे हुए हैं, ऐसे में आज का दिन आराम करने का है। आज कुछ पुराने मित्र मिल सकते हैं जिनसे मिलके आप अच्छा महसूस करेंगे। उपाय: सरसों के तेल का दिया भैरव बाबा को अर्पण करें, सब मंगल होगा। वृश्चिक राशि: सूर्य आपकी जन्म राशि से छठे भाव में बैठे हैं और चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हैं। आज के दिन आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन समय आज आपका साथ नहीं दे रहा। आज बेवजह काम लटकेंगे। आज बाहर के खाने से परहेज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शाम का समय आपके पक्ष में रहेगा और किसी रुके हुए कार्य के पूरे होने की खबर आपको शाम तक मिल जाएगी। उपाय: काली उड़द और कच्चा प्याज शनि मंदिर में दान करें, सब शुभ रहेगा। धनु राशि: सूर्य आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा स्वयं आपकी राशि के ऊपर बैठे हैं। आज के दिन माता का बहुत सारा प्यार और साथ में कुछ उपहार आपको मिल सकता है। आज के दिन आप कार्यों से घिरे पड़े हैं जिन्हें आप शाम होते होते पूर्ण कर लेंगे। आज धन लाभ के भी सुंदर योग बनते दिख रहे हैं। आज के दिन कुछ अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। बड़बोलेपन से बचें। उपाय: सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य जरूर दें और केसर का तिलक जरूर लगाएं। मकर राशि: सूर्य आपकी जन्म राशि से चतुर्थ स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा 12वें स्थान पर बैठे हैं। आज का दिन भवन भूमि से संबंधित कुछ अच्छी खबर आपको देने वाला है। लंबे समय से जिस चीज के लिए आप ललायित थे वह कार्य आज पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज अचानक से कोई खर्चा भी आपकी तरफ बढ़ सकता है। कुल मिलाकर समय आपका साथ देता नजर आएगा। उपाय: आज शनि मंदिर में शाम के समय नीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि: सूर्य आपकी जन्म राशि से तीसरे स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा एकादश स्थान पर बैठे हैं। आज का दिन आपको मजबूती देने वाला है। आज के दिन किसी पुरानी समस्या का निपटारा हो सकता है। शाम के समय कोई छोटा सा धन लाभ आपको हो सकता है। आज अपना शाम का पूरा समय जीवन साथी को दें और उनसे उनकी दिल की बात जानें। आज के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। किसी पुराने दोस्त की मदद से कोई अटका काम पूरा होने के योग बन रहे हैं। उपाय: आज सुबह के समय भोजन करने से पहले आटे की लोई गौ माता को खिलाएं। मीन राशि: सूर्य आपकी जन्म राशि से दूसरे स्थान पर बैठे हैं और चंद्रमा दशम स्थान पर बैठे हैं। आप अपने व्यवसाय में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। कार्य को लेकर इस समय आप आक्रामक हो चुके हैं जो कि इस समय बिल्कुल सही है। इस समय आपकी जो भी योजनाएं हैं उन पर भरोसा करिए, ये आपको पार लगाएंगी। परिवार में किसी का बिगड़ता स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। धन संबंधी मामलों में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। उपाय: घर के मंदिर में आज सुबह हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, आपके जीवन की समस्याएं जल्दी समाप्त होंगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे भाग्य मंथन में। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।